नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। दुर्गा पूजा महासमिति राजधनवार की ओर से राजधनवार सार्वजनिक दुर्गा मंडप प्रांगण से गाजे बाजे व ढोल नगाड़ों के साथ मां दुर्गा की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा में गीत संगीत व ढोल नगाड़ों के बीच केसरिया झंडे लिए महिला पुरुष व बच्चे पूरे उत्साह के साथ माता के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। यह पालकी यात्रा पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए बेल भरनी तालाब पहुंची और पूजा पाठ करते हुए माता का आह्वान कर माता को पालकी में विराजमान कर मंडप में लाया गया, जहां पुरोहित धर्मेंद्र शास्त्री तथा उपेंद्र शास्त्री के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता की पूजा अर्चना की गई। पूजा संपन्न होने के बाद माता के दर्शन के लिए पट को खोल दिया गया। माता का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। बता दें कि षष्ठी तिथि को पूरे विधि विधान पूर्वक बेल भरनी माता को निमंत्रण दिया जाता है और सप्तमी तिथि को पालकी पर विराजमान कर मंडप लाया जाता है। आज सप्तमी को पालकी यात्रा हुई और विधि विधान के साथ पूजा करके माता का पट खोल दिया गया। सुबह 7 बजे से पालकी यात्रा नगर भ्रमण की गई, साथ में माता के लिए छत्र जो बनाया गया था उसकी भी नगर भ्रमण किया गया। और हम लोग सप्तमी से एक दिन पहले षष्ठी को माता बेलभरनी को निमंत्रण देने के लिए आते हैं, षष्ठी को निमंत्रण दिए और आज माता को बेलभरनी माता को लेके फिर मंडप में स्थापित करके आज माता का पट खोल दिया। आज सार्वजनिक दुर्गा देवी मंडप राजधनवार से पालकी यात्रा शोभा निकाली गई, जो नगर भ्रमण कर करके माँ बेलभरनी को लाया गया और माँ का आज प्राण प्रतिष्ठा का पट खोला गया। और जैसे कि इस वर्ष माँ का आगमन गज यानी हाथी में हुआ है और जाना भी हाथी में हो रहा है, तो इस वर्ष शुभ संकेत है, धन धान की वृद्धि होने की संकेत है, तो हम सब भक्तों पर माँ की कृपा ऐसे ही बनी रहे।